तो बेसिकली मुंबई पहुंच चुका हूं मैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के, सुबह तो नहीं दोपहर हो चुकी है, और अभी बज रहे हैं 12:30। तो बादल पहुंचेगा 2:30 बजे और पीजे पहुंचेगा शाम को। हम जा रहे हैं कल कॉमिक कॉन, आज फ्राइडे है कल सैटरडे। तो होटल में चेक इन का टाइम है 3 बजे, तो मैंने सोचा कि यार अब टाइम पास कैसे किया जाए, तो कुछ खाना भी था तो मैंने एयरपोर्ट पे इडली ले ली, क्योंकि थोड़ा सा डाइट वाइट कर रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं। जब ब्लॉग बनाता हूँ तो हम वज़न कम कर रहा होता तो होता घंटा नहीं है, तो इडली ले ली, बहुत ही एवरेज इडली भाई, 180 रुपये की। एयरपोर्ट से कभी कुछ मत खाना, मैंने सोचा यहाँ टाइम पास कर लेता हूँ बैठ के। बहुत बुरी इडली भाई, चलो ठीक है, टाइम निकाल रहे हैं जैसे तैसे करके यार। चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं फिर होटल जाऊंगा। एयरपोर्ट के बारे में एक बड़ी मस्त सी चीज़ जो हमेशा मैं देख के खुश हो जाता हूँ, वो है ये, इतने बड़े बड़े पंखे। The next day. तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं। हम बम्बई आ गए, आग लगा दी, कॉमिक कॉन। और हमने ये हमारे पैंट्स ले लिए हैं कॉमिक कॉन के, और हम लोग सोच रहे थे, एक्चुअली हमने सोचा था कि ये अंदर होने वाला है, पर सरप्राइजिंगली बाहर होने वाला है, जैसे दिल्ली कॉमिक कॉन था। पीजे मर जाएगा हुडी पहन के आया भाई, बादल को लोग छोड़ नहीं रहे पीजे भाई, भाई मिलियन होने के बाद तो अलग ही दवाई चल रही है भाई, अच्छा यस। वो जेम्स गन ने तो फालतू ही चैप्टर अनाउंस गलत कर दिया है, असली असली गॉड तो इधर घूम रहे हैं। हेलो ब्रो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बादल देखो देखो देखो, देख रहे हो, देखा देखा देखा, वो बेचारा बोल रहा है आप इधर फोटो खींच नहीं सकते। क्यों और ये हम कॉमिक कॉन के अंदर घुसते हुए मतलब साफ में इसलिए शायद नहीं निकाल सकते फोटो। अच्छा वॉलंटियर्स आई थिंक। पर ये बात तो सही है, क्यों पीछे अपन को पूछ नहीं रहा कोई। ठीक है यार, नहीं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बस 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 तो बोलो मत, तुम बस बस तो बोलो मत, अरे अबे रहने दो, अबे जाने दो बे। अरे भाई 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 भाई, खतरनाक काम चल रहा है। हेलो 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 हेलो, ब्लॉग बना रहे मोहित। यो यो, भाई ये मस्त लग रही टी शर्ट यार, नारुतो वाली तो मैं लेके जा रहा हूँ। वो जैकेट क्या? हाँ वो देख रहे हो, वो देख रहे हो, वो देख रहे हो, मैं ऐसे घूम के आऊँ ना, तुम मैं प्राइस पूछता हूँ क्या है। अच्छा, तुम घूम के आ जाते ये वाली, अगर देख लो गाइस, ये मैंने इस पे डिप्स ले लिया, अगर बादल इसको लेके गया ठीक है। अबे साइज भी छोटी भाई, मैं नहीं तो वो मिल जाएगा उनके पास आई गेस। चलो अभी लेते देखते हैं। चलो तो गाइस, यहाँ शुरू होता है कॉमिक कॉन का टूर। यस, क्या क्या है दिखाते हैं आपको। नाइस,
ओ एंटमैन क्वांटमेनिया का भाई कॉमिक कॉन फैंस इन द हाउस लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज मार्वल स्टूडियो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया चेक That's releasing on 17th of Feb in Hindi, English, Tamil and Telugu. But ladies and gentlemen, we are going to be starting off with the trivia in the next 30 minutes. I repeat, we are going to be starting off with the trivia in the next 30 minutes. And you could have a chance to win some Marvel Shop coupons for the day. ये जो बताएंगे मेरे आज 11:30 बजे वाले वीडियो में आ जाएगा वो सब कुछ ट्रिविया है ट्रिविया पूछेंगे आंसर पर कूपन मिले मेरे मन में बेइज्जत हो जाऊंगा मैं बेइज्जत हो जाऊंगा बता रहा हूं पहले Too easy. इतने बड़े मंच पे अपने आप को बेइज्जत कराने का कोई शौक नहीं है मेरे को अपन स्क्रिप्टेड आदमी है अबे ये अच्छे ये देखो ना ये छोटे छोटे कलेक्टेबल हाँ पावर है भाई ये पिक्चर इमेजेस नाइस इंटरनेट चल तो रहा है इंटरनेट स्टोरी डाली यार एक भाई लोग एल्डर वॉन्ड है अगर किसी को चाहिए तो ऐसे ऐसे करके मार्क स्पेक्टर बनना चाहते हो तो ये दिस इज द थिंग फॉर यू लेकिन उसके लिए तो अब्यूज चाहिए ना मार्क स्पेक्टर बनने के लिए वो तो अपने को मिला ही है बचपन में भाई सभी को मिला होगा आई एम श्योर बादल मार्क स्पेक्टर बनना है क्या तुमको भाई मैं वो देख के खुश हो गया क्या कटाना दिख रहे हो अच्छा वो अच्छा मुझे लगा उनकी बात कर रहे हो उसके साइड में जो है मुझे लगा उनकी बात हो रही है अच्छा मेरे को लगा वो नहीं नहीं ओके ओके वो नहीं आगे जस्ट नीचे आ ओके ओके मूविंग ऑन अरे बॉडी किलो रखा है भाई व्हाट द फक बॉडी किलो सारी चीजों की व्यवस्था है इधर ये अच्छा हैरी पॉटर क्या है बुक हां नॉवेल है हैरी पॉटर का हां एनिमे महिलाओं के फोटोज बने हुए हैं बादल जैसे कि आप देख सकते हो किन चीजों की तरफ झुकाव है बादल का अजीब पेटिश है लोगों का ओ ओके ओके मेरा नहीं ये लोग हैं पता चल रहा है बॉडी बिल्डर से बांध के लेकर जा रहे हैं बंदे से लेके ठीक है भाई क्या है ये भाई पोस्टर्स हैं ओ नाइस बादल तुम्हें नहीं चाहिए पोस्टर्स अगेन कलेक्टेबल्स भाई लोग ये देखो होमलैंडर का एक्शन फिगर है दो तीन फेसेस हैं उसके लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं दी गई है दूध की बॉटल वो कहाँ है क्या हार्ली क्विन ले जा रहे हो बोल रहे लेके जाता हूँ बोला करूंगी खाली इतना बड़ा लेके जाके अब वो तो भाई देखो पर्सनल चॉइस है इंसान की जो करना चाहे वो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है वहां जाके पीछे बोले अरे यार काश मुंह खुला होता दांत दिख रहे हैं यार विजन का काफी अच्छा लग रहा है भाई काफी काफी अच्छा डिटेलिंग अच्छी है डिटेलिंग बहुत अच्छी है थानोस उसके साइड में थानोस भी रख देना चाहिए था एक हल के साइड में नहीं ये ब्लैक कैनरी है अरे वो तो लेकिन डीसी की है ना तुमको पता नहीं होगा इसमें थी ना हार्ली क्विन की मूवी आई थी ना हार्ली क्विन हार्ली उसका हार्ली है अरे उसके अंदर थी ना वो ब्लैक कैनरी थी शायद मूवी के अंदर हां लेकिन ये ऐसे आउटफिट नहीं थी वो इसीलिए बोलते हैं कॉमिक एक्यूरेट रखना चाहिए कौन है ये भाई ये देखो गाइस द लेजेंडरी पोज ऑफ ऑल द थ्री स्पाइडरमैन और हमारा बैटमैन जैक स्नाइडर वाला पीजे कैसा लगा तुमको बैटमैन 20,000 का 20,000 का लेके घर में रखो यहां तो बैटमैन अपने को पूछेगा डू यू ब्लीड 20,000 खर्चा करने के बाद भाई यार मैं भी इसको जैसे बैटमैन देखता है ना सुपरमैन को मैं भी देखूंगा हां Tell me. Do you bleed? फिर उसको लेने के बाद बोलेंगे you will. भाई वो तीनों स्पाइडरमैन वाला तो मेरे ख्याल से 1,00,000 के ऊपर होगा बहुत महंगा भाई कलेक्टेबल्स का मार्केट बहुत महंगा है
हमने कुछ नहीं बोला, हम एकदम पोकर फेस हो गए, न्यूट्रल एक्सप्रेशन. ओके ओके ठीक है, हमको ऐसा लगा कि वी नो अवर वलालापुरा निकाला है, फार क्राई 6 पूरा निकाला है, और रेनबो 6 सीज मेरे भाई बहुत खेलता है, और गोस्ट रिकॉन उसने पूरा निकाला है. फाइलों के पूरा डेस्क टॉपिक मस्त लग रहा है. और ये देखो गाइस, माकिमा और डेंजी का मिलन होते हुए, भले ही एनीमे में हो ना हो. तो पीजे, अभी राज कॉमिक्स का पैनल अनाउंस हुआ. क्या हुआ, क्या अनाउंस किया उन्होंने? मतलब ऐसे राज कॉमिक्स का था कॉमिक कॉन में कुछ अनाउंसमेंट वगैरह. वो सिद्धांत चतुर्वेदी जो एक्टर है वो थे. हाँ, ये हम लोग चाह रहे थे कि ऐसे जैसे मार्वल की पैनल होती है, डीसी की पैनल होती है, तो ऐसे हो सकता है कि राज कॉमिक्स की पैनल हो एक दिन, जिसमें वो लोग अपनी वेब सीरीज और मूवी वगैरह अनाउंस करें. हम लोग सुबह से एडवांस में आके बैठे हुए. यस, और एक्साइटमेंट होगी भाई, सुपर कमांडर ध्रुव की मूवी आ रही है, डोगा की मूवी आ रही है, एक्स वाई एक्साइटमेंट लेवल होगा भाई उसका. भाई होपफुली ऐसा दिन आए, लेट्स होप सो. क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल. तो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. अरे मोहित भाई, भाई कॉलर भाई, लॉग में ऐसा मत डालना. साइड में खड़े पूछ रहे मोहित भाई का, बोलो ये रहना भाई, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा कौन ज्यादा सेक्सी लग रहा है. द नेक्स्ट डे आगे चलें. हां तो भाइयों, डे 2 इन कॉमिक कॉन. यस, बादल को ये पसंद आ रही है टी-शर्ट? 50-50 लूं या नहीं लूं? मेरे को ठीक लग रही है. पीछे तुम्हें कैसी लग रही है? मेरे से मत पूछ भाई यार. अच्छा, पीछे नारुतो देखा नहीं है? तो ये वैसे ठीक लग रही है, पर इसका ये जो कलर एक्यूरेसी है मुझे पर्सनली इतनी एक्यूरेट नहीं लग रही है. हाँ, ये ब्राइट रेड नहीं है, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए मैं आई वुड से नो. और प्राइस पे अगर अपन जाएंगे इसके, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज है. एक शर्ट के 2500 रुपये ले रहे हैं लोग, तो मतलब तुम देख लो बाकी. छींक छींक भी आ गई, तो इस हिसाब से नो. शाहजहां का फोटो मस्त लाइट चलते हुए. लुक्स गुड. कल था या नहीं था यार, अपने को देखने नहीं मिला कल. हाँ, कल ये था या नहीं था? क्या कल था? ये अपने को देखने नहीं मिला कल. नहीं, मैंने देखा था. आई सॉ ब्रो, आई सॉ. मैं मेरे फोटो निकाल रहे थे ना, तो मैं उधर भी. हेलो, पापा फिट का तो ले ले यार. वेनम, Black Widow, Boba Fett, Scarlet Witch, Steppenwolf. इधर आओ, तुमको एक दिखाता हूँ. Back to the Future. हाँ, क्या रे भाई, इधर आओ तुमको एक दिखाता हूँ. Tangled. मुझे सुपरमैन है क्या? Christopher Reeve का. Around 13. तो बादल क्या पूछ रहे हैं तुम? मैं बोल रहा हूँ ये Amazing Spider-Man का है. ये वाला जो बेसिकली ये अमेजिंग स्पाइडरमैन लिखा हुआ है, लेकिन ये फैंटास्टिक फोर की कॉस्ट्यूम लिखी हुई है. तो ये है स्पाइडरमैन ही, पर ये फैंटास्टिक फोर की कॉस्ट्यूम में रहता है. ये इसके पीछे कहानी होती है कि ये स्पाइडरमैन ही है, लेकिन ये फैंटास्टिक फोर का मेंबर होता है. मतलब इसकी क्या है कि कॉस्ट्यूम नहीं होता है, और इसका मास्क निकल जाता है, इसको पेपर बैग लगाना पड़ता है अपने. स्टोरी अच्छी थी या सिर्फ टॉय बेचने के लिए निकाला है? नहीं, वो स्टोरी अच्छी थी, तो वो उसका ये मतलब काफ़ी लेजेंडरी वो है. अगर आप ये ले लेते हो तो मतलब दिस इज क्वाइट अ कलेक्टेबल आइटम. तो ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा है. हाँ, तो ये जिसको
जिसको इसकी वैल्यू पता है वो इसको ले सकता है, मतलब ये अच्छी चीज है। और इसके ऊपर किक में भी लिखा हुआ है, जो ह्यूमन टॉर्च का एक जोक था एक्चुअली में। तो भाई लोग, ये रहा वो पुराना स्टारबक्स जहाँ पहली बार मिले थे, ये रहा बादल, बोला पीजे, नॉस्टैल्जिया हिटिंग हार्ड। कॉमिक कौन से होके आ गए इसी स्टारबक्स से। हम लोगों ने पहले कैब पकड़ी थी, एक बार फिर से यहीं से कैब पकड़ते हुए। अच्छा यहाँ पे आया था ना। सर्कल ऑफ लाइफ बादल कंप्लीट होते हुए यहीं से हमने पहली कैब पकड़ी थी और एक बार फिर से कैब पकड़ रहे हैं यहीं से। तो गाइस, कॉमिक कॉन अटेंड करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस, और पूरे के पूरे कॉमिक कॉन में हमें एक भी मार्वल और डीसी की कॉमिक बुक नहीं मिली। तो उसके बाद हम लोग आए, यहाँ पर एक कॉमिक बुक स्टोर है उसके पास, सो दैट वी कुड एक्चुअली फाइंड सम कॉमिक बुक्स। और उन्होंने बताया कि हमारा स्टॉल है कॉमिक कॉन में, जहाँ पर आप जाकर कॉमिक बुक ले सकते थे। हम वो छोड़ के यहाँ आए, और वो बोल रहे कि वहीं पे था। और हमने फिर इंस्टाग्राम पे उनका पेज चेक किया, तो उस पे हमको पता लगा कि उनका जो स्टॉल था वो एक एक्चुअली स्टॉल नहीं था। आर्ची से क्रिएटर को उन्होंने बुलाया था, डैन पैरेंट से, और एक बहुत ही छोटा सा बूथ था। अपन थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राज कॉमिक्स की तरह थोड़ा सा बड़ा सा, बहुत बड़ा स्टॉल था राज कॉमिक्स का, बड़ा था ठीक है, लेकिन इतना छोटा सा स्टॉल था, जितना बड़ा कार है ना उतना ही बड़ा। एग्जैक्टली। और अब भाई उसके क्रिएटर्स की कॉमिक मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं कैसे जाके बात। वही वही वही। तो We were hoping कि कॉमिक कॉन में हमको actually comic books मिलती Marvel DC की, जो कि नहीं हुआ, which is actually truly disappointing. तो ठीक है, जा रहे हैं अभी वापस। तो मेरी और पीजे की अब फ्लाइट है शाम को 7 बजे की, और अभी 4 बज गए हैं, तो हम लोग हमारे लगेज कलेक्ट करेंगे। बादल की ट्रेन है, चुक-चुक गाड़ी है, तो वो थोड़ा जल्दी निकलने के लिए मतलब वेट कर सकता है। अब मैं अपना सामान उठाएगा, कहीं जाके बैठेगा। हाँ, यहाँ बैठ सकते हैं स्टारबक्स, मैं अमीर लोगों की जगह। तो स्टेशन पे बैठने से तो अच्छा है वही। तो कितना मेरा 8 बजे का है भाई, 8 बजे तो मुझे ऐसे ही बैठना है। ठीक है ना, तो अब आराम से बैठ के लास्ट ऑफ अस देखेगा बादल स्टारबक्स पे। बादल ने एक बढ़िया मांगा खरीद लिया भाई वन पंच मैन की। ये तो एनीमे देखना चालू करता। तो देखना भाई, मांगा पढ़ना नहीं। हाँ तो देखना भाई, कब से बोल रहा हूँ मैं, देखे जा तो देखना। मैं देख क्या जलवा एनीमे नहीं का। ये देखो, नहीं वो दिखाओ ना, ये देखो। ये देखो, ये एक ही खरीदा मैं, लेटेस्ट वन था। महंगी पड़ी वो भी, इसको आर्ट दिखा भाई, महंगी पड़ी यार, 800 रुपए, बहुत महंगी मांगा है भाई। देख रहे हो, ये सोचो बादल इसका कलेक्शन बनाएगा कितना लग जाएगा। ये वही है ना जिसमें गॉड दिखता है इसको। No spoilers please, no spoilers please. Spoiler नहीं, एक जो ये देखो, इसमें अब तुम डिटेल देखना, ये इंसान है ठीक है, और उसके सामने एक्सप्लोजन का स्केल कितना देखा है, एक्सप्लोजन का मस्त है भाई, गजब मस्त। तो हम अब निकल चुके हैं, उधर कैमरा बंद करो, तुमको एक पैनल दिखाना है। चलो बादल, टाटा, बाय बाय। ओके गाइस, तो कॉमिक कॉन इन ए नटशेल वाज एन ओके एक्सपीरियंस। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये एक मेले सॉर्ट ऑफ जैसा था, जो एक काफ़ी बड़े हॉल में लगा हुआ था, जहाँ पे सारे गीक्स और नर्ड्स आते हैं, और वहाँ पे कई सारी शॉप्स होती हैं, और वहाँ से वो कलेक्टेबल्स खरीद सकते हैं, और मतलब जो कॉमिक बुक्स और सुपर हीरोज और एनिमेज और मांगाज होते हैं, वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और मतलब सस्ती नहीं होती है चीज़ें, काफ़ी महंगी होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और दिखने में अच्छी होती हैं, ख़रीदने का मन करता है, पर ख़रीदना इतना आसान नहीं होता क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैंने पर्सनली कुछ टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदी, और वो जो एक डोगा का फिगर था, जो आप लोगों ने मैन ऑफ कल्चर की लाइव स्ट्रीम पर देखा होगा, वो ख़रीदा राज कॉमिक्स का, तो वो लिया, एंड somehow इट was गुड, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने लिया। और हम लोग को बहुत सारे फैंस मिले, तो हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होती ना, तो आई वुड से कि ठीक ठाक एक्सपीरियंस है,
पर्सनली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्वल और डी सी का कॉन्टेंट ज़्यादा देखने को मिलता, जो मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिला। दैट बिंग सेट, हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर रैपअप करेंगे। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कॉमिक कॉन का एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करी थी, पता नहीं कितना क्रिएट हो पाया होगा, नहीं हो पाया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया हर बार की तरह, लेकिन फिर भी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।